हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में पाइल्स या हेमोरॉइड्स उसकी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। और ये जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो कम्बिनेशंस हैं उसमें ये जो मेडिसिन है इसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है। अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, चाहे ये पाइल जो है ब्लीडिंग है या नॉन ब्लीडिंग है, उसके अलावा आपको फिशर की प्रॉब्लम है, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। आप ये वीडियो मेरा पूरा देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहेगा। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, पाइल्स या हेमोरॉइड्स में जो एनल जो कैनाल होता है वहाँ पर जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और ये जो इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम होती है, जिसको कि पाइल्स कहते हैं या हेमोरॉइड्स भी इसको कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है ड्राई और दूसरा होता है ब्लीडिंग पाइल्स। रेक्टम का जो एरिया है वहाँ पर जो वेंस होती हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें जो ब्लड है वहाँ पर एक्युमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और यही ब्लड जो है जब ये वेंस रप्चर होती हैं तो ये ब्लड निकलने लगता है, और इसी को जो है ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं। पाइल्स की प्रॉब्लम जो है उन लोगों में ज़्यादा होती है जो कॉन्स्टिपेशन की, जिनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो इसका मेन रीज़न होता है वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो बहुत चांस रहते हैं कि आपको पाइल्स होने की पूरी जो है पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा अगर आप ओबीस हैं, आपका वेट ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को भी जो है पाइल्स होने के चांस रहते हैं। उसके अलावा अगर आप सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, आप एक जगह बैठकर काम करते हैं बहुत ज़्यादा, आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, आप जो कोई एक्सरसाइज नहीं करते और बैठे बैठे आप अपना ज़्यादातर टाइम गुजारते हैं, या बैठने का ही आपका काम है, पूरा दिन आप बैठे रहते हैं, या जो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो आपने चेंज कर रखा है, दिन में सोना, रात को लेट तक जागना, तो ऐसे लोगों को भी जो है पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो कॉन्स्टिपेशन, ओवरवेट होना, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होना, या जो फूड हैबिट है उसकी वजह से भी पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा जो है फास्ट फूड यूज़ करते हैं, अपनी जो डाइट में फाइबर नहीं यूज़ करते, ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा इनटेक नहीं होता उनका, या फ्रूट्स नहीं लेते और ज़्यादातर वो फ्राइड आइटम्स लेते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी पाइल्स होने की जो चांस है बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के टाइम में भी पाइल्स होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, या अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं तो वेट को लिफ्ट करने से भी पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा टॉयलेट में बैठने से, ज़्यादा टाइम तक बैठने से और वहाँ पर जोर लगाने से, स्ट्रेनिंग करने से भी पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ कॉज हैं जिसके वजह से पाइल्स होती है, और पाइल्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसको ग्रेड सिस्टम में इसको जो है डिवाइड किया जाता है, ग्रेड वन, ग्रेड टू और ग्रेड थ्री। ग्रेड वन में क्या, हल्का सा वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा, ज़्यादा सिम्टम्स आपको जो है दिखाई नहीं देंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी, हल्की सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ग्रेड टू जो होता है इसमें जो पाइल्स का साइज़ है वो बढ़ जाता है, ग्रेड वन से ग्रेड टू में जो है साइज़ पाइल्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके अलावा आपको दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वहाँ पर आपको ब्लीडिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, आपको जो एनस है उसके आसपास वहाँ पर पेन भी हो सकता है। तो इस तरह का जो सिम्टम्स होता है वो ग्रेड टू में माना जाता है, और जो ग्रेड थ्री होती है इसमें जो पाइल्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, जिनको एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। और जब पाइल्स बाहर निकल आते हैं तो उनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वहाँ पर जो है ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है और पाइल्स आपको बाहर से दिखाई देने लगते हैं। जब इस तरह का जो सिम्टम आते हैं तो ये ग्रेड थ्री में आ जाता है। तो पाइल्स जो है उसकी कंडीशन के हिसाब से उसको ग्रेड वन, ग्रेड टू और ग्रेड थ्री में डिवाइड किया जाता है। ग्रेड वन में जो है सिम्टम्स बहुत कम होंगे, उससे ज़्यादा जो है सिम्टम्स ग्रेड टू में होंगे, उससे ज़्यादा जो सिम्टम्स हैं फिर ग्रेड थ्री में होंगे। तो अच्छा ये रहता है कि जब आपको स्टार्टिंग हो पाइल्स की, आप उसी टाइम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लें, और इसको ग्रेड टू और ग्रेड थ्री में आने नहीं देना चाहिए। अगर ये ग्रेड टू या ग्रेड थ्री में आ जाता है तो फिर आपको उतना ही टाइम लगेगा इसको क्योर करने में, इसके ट्रीटमेंट में। तो जब भी किसी को स्टार्टिंग में पाइल्स की प्रॉब्लम होती है तो एकदम जो है आप उसका ट्रीटमेंट के लिए जाएँ,
और जो बेस्ट थिंग है इसके ट्रीटमेंट के लिए वो है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत ही इफेक्टिव है पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए। होम्योपैथी में बहुत बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सी ऐसी कंपोजिशन है, कम्बिनेशन है, जो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। अब मैं आपको एक ऐसे ही बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक ड्रॉप्स के बारे में बताऊंगा, जो एक होम्योपैथिक जो कंपनी है मेडिसिन इसको मैन्युफैक्चर करती है और बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट है। 100% जो ये ड्रॉप है ये ओरल ड्रॉप है, डायरेक्टली इसको आपको टंग के ऊपर लेना है और इसका रिज़ल्ट जो है बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। 100% इसका इफेक्ट है। आपको अगर एक्यूट पाइल्स है या क्रॉनिक पाइल्स है, बहुत टाइम से आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर है, उसके अलावा जो है आपको इंटरनल पाइल्स है या एक्सटर्नल पाइल्स है, ब्लीडिंग पाइल्स है या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है, सभी में इसका जो रोल है बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा इफेक्ट इस मेडिसिन का, और ये जो है टेस्टेड और बहुत ही प्रूफ मेडिसिन है। ये मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन को, ब्लीडिंग को, पेन को, स्वेलिंग को, इचिंग को, उसके अलावा जो है इंटरनल या एक्सटर्नल पाइल किसी भी तरह की पाइल है और ब्लीडिंग में बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट है। इस मेडिसिन का जो नाम है वो है पाइलन फोर्ट, पाइलन फोर्ट नाम से आती है और मेडिसिन कंपनी इसको बनाती है। इसकी अगर आप कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, जैसे एसिड नाइट्रिकम, कैल्केरिया फ्लोरिका और उसके अलावा हेमामिलिस। तो ये जो तीनों मेडिसिन हैं 1 mg क्वांटिटी में इसको यूज़ किया गया है इस मेडिसिन में, इसीलिए क्योंकि हाई थोड़ा पावर है इसका, इसीलिए इसको फोर्ट जो है इसका नाम दिया गया है, पाइलन फोर्ट। और इतनी ही इफेक्टिव ये मेडिसिन है, आप इसको यूज़ करेंगे तो कुछ ही दिनों में जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आपको मिलेगा। और एसिड नाइट्रिकम बहुत ही अच्छा इफेक्ट है पाइल्स के ऊपर या फिशर में, या जहाँ पर अगर आपके एनस जो है उसके आसपास में अगर स्वेलिंग है, इचिंग है, पेन है, तो उसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। कैल्केरिया फ्लोरी का भी बहुत ही अच्छी इन्फ्लामेशन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और जो हेमामिलिस है ब्लीडिंग के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो कॉन्स्टिपेशन और उसके अलावा पेन, अगर वहाँ पर पेन है और उसके अलावा वहाँ पर आपको इचिंग है, स्वेलिंग है, रेडनेस है वहाँ पर और ब्लीडिंग है, तो ये मेडिसिन सभी सिम्टम्स को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करती है। बहुत ही अच्छा इस मेडिसिन का इफेक्ट है। पाइलन फोर्ट नाम से मेडिसिन आती है, इसका पिक्चर भी मैंने लगा रखा है, आप इसको देख सकते हैं और इसको यूज़ करें। अब इसको लेना कैसे, जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है वो इसकी 8 से 10 बूंदें डायरेक्टली आपको टंग के ऊपर डालना है, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार। मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ, ये है पाइलन फोर्ट, और इसमें अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो एसिड नाइट्रिकम, उसके बाद जो है कैल्केरिया फ्लोरिका और उसके बाद जो है हेमामिलिस, 3 मेडिसिन जो है 1 mg पोटेंसी में इसमें यूज़ की गई है। और इसको आपको डायरेक्टली जो है खोलने के बाद इस तरह से इसमें ड्रॉपर लगा हुआ है और डायरेक्टली आपको अपनी टंग के ऊपर 8 से 10 बूंदें दिन में 3 बार लेंगे। तो अगर एक्यूट पाइल्स आपको है तो कुछ ही दिन लेंगे तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर क्रोनिक प्रॉब्लम है, आपको काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है, तो आपको 2 से 3 महीने तक लगातार ये मेडिसिन लेना पड़ेगी। तो उससे 3 महीने आप इस मेडिसिन को लेंगे तो आपकी जो पाइल्स है या हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम आपको है या जिसको हम बवासीर भी कहते हैं, 100% जो इस मेडिसिन से क्योर होगी। बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप इस मेडिसिन को अगर कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो ना तो आपको किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो है बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।